15 दिसंबर से हाईवे और एक्सप्रेस वे पर फास्ट टैग व्यवस्था देश भर में लागू हो गई है। व्यवस्था लागू होने के बाद चार पहिया वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल टोल प्लाजा पर बिना फास्ट टैग वाहनों के लिए कैश लाइन बनाई गई है। फास्ट टैग लागू, हाईवे पर फर्राटा भरेंगे वाहन। 15 दिसंबर से देश भर के सभी हाईवे पर फास्ट टैग व्यवस्था लागू कर दी गई है। फास्ट टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रोका नहीं जाएगा, सीधे फर्राटा भरेंगे। आप देख सकते हैं आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर ये फास्ट टैग वाले काउंटर हैं जो पूरी तरीके से खाली हैं। वाहन आते हैं और सीधे फर्राटा भरते हुए अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। फास्ट टैग लगे वाहनों का समय भी बच जाता है। हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे, अब वाहन बिना टोल प्लाजा पर रुके फर्राटा भरते नजर आएंगे। 15 दिसंबर से फास्टैग व्यवस्था लागू कर दी गई है। फास्टैग लगे वाहन फर्राटा भरते नजर आए। ये हम फास्टैग की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं रात के 12 बजे से, और हमारा प्रयास ये है कि सभी वाहन जितने भी यूजर्स हैं वो दोनों लेनों में पूर्ण फास्टैग के अनुसार चलें। इससे फ़ायदा यह होगा कि ये ट्रैफिक जल्दी से मूव करेगा और लोगों को कैश लेने देने में जो समय लगता है वो भी नहीं लगेगा। फास्टैग लगे वाहनों का शुल्क बैंक खातों से काटा जा रहा है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा। फास्टैग से टोल प्लाजा पर जाम भी नहीं लगेगा, प्रदूषण की मात्रा भी कम होगी। फास्टैग योजना 1 दिसंबर से लागू होनी थी, लेकिन सरकार ने वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए तारीख 15 दिसंबर कर दी थी। 15 दिसंबर को पूरे देश में फास्टैग व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन बिना फास्टैग वाले वाहनों को भी राहत दी है। कैश लाइन बनाई गई है, बिना फास्टैग वाले वाहनों को कैश लाइन से निकाला जा रहा है, कैश के माध्यम से शुल्क वसूला जा रहा है। कैश लेन भी है, ये कैश लेन ऐसा है कि दोनों तरफ दो दो हमने आज अभी दी हुई हैं, और प्रयास करेंगे कि कुछ घंटों में इसको हम एक एक में तब्दील कर दें। ये कैश लेन इसलिए बनाई है कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि संडे होने की वजह से कुछ हल्के वाहन गुजर रहे हैं, और ये सब आगरा की तरफ जाने वाले ज़्यादा हैं, और इन हल्के वाहनों पे फास्ट टैग नहीं है, और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल ही रही, उनके पास फास्ट टैग है ही है। तो ये इन लोगों के लिए है जिनके पास फास्ट टैग अभी नहीं लग पाया, या जिनके पास था लेकिन वो अभी रिचार्ज नहीं करा पाए। 15 दिसंबर से फास्ट टैग व्यवस्था लागू होने के बाद फास्ट टैग लगे वाहन सीधे फर्राटा भर रहे हैं, और जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगे हैं उन्हें सरकार ने राहत दी है। आप देख सकते हैं एक कैश लाइन बनाई गई है, और इस कैश लाइन पर वाहनों की लंबी कतार है, और इससे साफ हो जाता है कि अभी भी बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं जिनके पास फास्ट टैग नहीं लगे हुए हैं। यही वजह है कि लंबी लाइन बिना फास्ट टैग वाले वाहनों की लगी हुई है। कैश लाइन पर लंबी कतारें वाहनों की दिखाई दे रही हैं, और ऐसा भी बताया गया है कि जो बिना फास्टैग लगे हुए वाहन हैं यदि फास्टैग वाले काउंटर से निकलेंगे तो उनसे दुगना जुर्माना वसूला जाएगा। फास्टैग व्यवस्था पर वाहन चालकों का कहना था कि इससे बिना रुके गाड़ी दौड़ती रहेगी, प्रदूषण भी कम होगा। आज फास्टैग बनवा रहे हैं हम इसलिए कि हमारी गाड़ियों को जल्दी निकलने में सुविधा होगी, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इसलिए फास्टैग बनवा रहे हैं। फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा है, जैसे कि कैश वाली लाइन में काफ़ी समय लगता है हमें, और फास्टैग वाली लाइन में इतना समय नहीं लगेगा। फास्टैग से तुरंत गाड़ी आएगी और तुरंत निकल जाएगी। फास्टैग से फ़ायदा ये है कि आप बड़े जल्दी ही स्मूथली आप क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको कहीं रुक के अलग से वॉलेट से पैसे निकाल के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे ट्रैफिक काफ़ी स्मूथली पास ऑन हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, फास्टैग बैंक को NHAI टोल प्लाजा पर बनाए जा रहे हैं। फास्टैग लागू होने के बाद फास्टैग बनाने वालों की भी लाइन लगती दिखाई दी, अधिकांश लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन अभी कई सारी कमियां भी नजर आ रही हैं। स्कैनर ठीक से फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। बिना फास्टैग वाले वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते कैश लाइन पर जाम के हालात भी थे। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा। फास्टैग व्यवस्था पूरे देश भर में
लागू कर दी गई है। फास्टैग व्यवस्था लागू करने के पीछे सरकार की मंशा है कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। सीधे बैंक अकाउंट से टोल प्लाजा का शुल्क काट लिया जाएगा। सभी लोगों को अनिवार्य रूप से टोल शुल्क देना होगा। साथ ही सरकार का मानना है कि इससे पॉल्यूशन भी रुक सकेगा, पॉल्यूशन की बढ़ती मात्रा से भी लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल इसमें तमाम सारी कमियां भी हैं, दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि समय के साथ सभी परेशानियों को दूर भी कर लिया जाएगा। अपने साथ दुबे के साथ आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे से राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।